हेलो एवरीवन, मेरा नाम साहिब। अस्सलाम वालेकुम, मेरा मिशा। आप सबका बहुत ही ज्यादा स्वागत है हमारे चैनल पर। एक बार फिर से प्लीज चैनल को यार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज अनिरुद्ध आचार्य जी का एक फिर से भाषण जो होता है ना, वो सुनने वाले हैं। वो क्या बताते हैं, हम बहुत अच्छी बातें करते हैं और प्रॉब्लम्स को हल करने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। देखते हैं आज फिर से। महाराज जी, राधे राधे जी। महाराज जी, हम आए एक तो देहात एरिया से। हाँ, उस जगह एक तो जो है चलता है, जो शिव चर्चा टाइप का जो अथी चलता है भागवत, उसमें जो है खाने पीने की कोई भी चीज़ का माना नहीं रहता है। शिव चर्चा अच्छा होता है, दिन भर सत्संग कीर्तन होता है, लेकिन खान पान पर विशेष। और नहीं, ऊपर से लोग कहते हैं कि भगवान शंकर भी मांस वगैरह, दारू वगैरह, गांजा वजा, भांग वो सब खाते हैं। कौन बोल रहा था? वो जो उसमें के गुरु महाराज लोग गद्दी पर बैठ के कुछ औरतों को जो ज्ञान देते हैं, वो लोग कहते हैं। हम घर घर जैसे 50 गांव घूमते हैं प्रतिदिन। अरे तो शंकर जी को जबरदस्ती लोग बदनाम करते हैं। शंकर जी ना गांजा भी नहीं पीते थे। शंकर जी को जैसे हम भागवत जी में क्या बोलते हैं कि आप अपनी सारी बुराइयों को भागवत जी में चढ़ाओ, गुटखा खाने वाला गुटखा, शराब पीने वाला शराब। तो कोई शराब लेकर भागवत जी के पास आए, गुटखा लेकर भागवत जी के पास आए और कहे कि मैं चढ़ा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो व्यक्ति आज से शराब और गुटखा त्याग रहा। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि भागवत जी में शराब चढ़ती है। या शंकर जी लोग कहीं गया और शंकर जी के मंदिर में बोले आज से मैं गांजा नहीं पीऊंगा, ये गांजा शंकर जी को चढ़ा दिया। इसका मतलब ये हुआ कि भगवान शिव गांजा नहीं पीते। गंजेड़ी लोग अपना समर्पण कर देते हैं कि आज से ये छोड़ दिया ये प्रभु के चरणों में, तो इसका लोग फिर परंपरा बना लिए कि गांजा शंकर जी पे चढ़ता। अरे कुछ गंजेड़ियों ने छोड़ा था मंदिर में, उसे परंपरा बना ली। जैसे महाराज जी, अब अज्ञानियों का क्या करेंगे। सही बात। जैसे महाराज जी कहते हैं कि जो है हम लोग शंकर जी का भक्त है तो हर चीज खाने का अलाउ है। अरे मांस क्यों, शंकर जी का भक्त हो या कृष्ण जी का, भक्त किसके हैं ये मुद्दा नहीं है। क्या किसी की हत्या करना सही है? बिल्कुल सही नहीं है गुरु, लेकिन लेकिन कौन सुनेगा। अरे उनसे बोलो कि भाई तुम मांस खाते हो तो तुम फिर अपने दादाजी को फिर शमशान क्यों भेज देते हो, उनको भी पका के खा लो। गुरु जी हमारा बात थोड़ी ही सुनेंगे, क्योंकि वो लोग जो ब्यास गद्दी पर कुछ औरतें बैठती हैं। अच्छा, औरतें ही औरतों को सलाह देती है। हम तो अपना जो है कॉस्मेटिक का बिजनेस करते हैं, वहाँ हम एथी करते हैं, अपना प्रश्न रखते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, कहीं भागवत में ऐसा एथी नहीं है, तो कहते हैं नहीं शिव चर्चा में ऐसा नियम है। अरे मनमानी शिव चर्चा ना करें, समझाया करो, आप पर्याप्त हो, समझाओ मूर्खों को। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। हमारे यहाँ परमात्मा एक का मार्ग है, अभी हमारे को कम से कम 16-17 साल हो चुके हैं और वो मार्ग में भगवान बाबा हनुमान जी के अलावा कोई देवी देवता की पूजा नहीं कर सकते। ठीक है, कोई हनुमान जी की उपासना कर रहा है तो अच्छी बात है, क्या दिक्कत है। लेकिन अभी ये तुम्हारा 5-6 महीने से भागवत सुन सुन के हमारे फैमिली में ऐसा लग रहा कि हमको यही भगवान की पूजा पाठ करना है, ऐसा हमारे परिवार में लग रहा कि हम सब कुछ छोड़ देंगे लेकिन हमको ये श्री कृष्ण की पूजा करना है, तो क्या करना चाहिए सर जी। हाँ, हमको हनुमान जी की पूजा आप लोगों ने की, इसलिए हनुमान जी ने कृपा करके आपको भगवान श्री कृष्ण की ओर भेज रहे हैं कि जाओ भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि श्री कृष्ण कौन है, राम ही है। राम कृष्ण कौन, नारायण और हनुमान जी सदा उनके दास हैं, उनके पास रहते हैं। तो हनुमान जी की कृपा से ही कृष्ण में मन लग सकता है या भगवान राम में मन लग सकता है, तो उनकी बड़ी कृपा, वो आपके बिल्कुल आशीर्वाद हुआ हनुमान जी का ये मानो। लेकिन गुरु जी अगर हम ये मार्ग छोड़ देंगे और ये कृष्ण का मार्ग नहीं, छोड़ने का क्या, हमारे यहाँ छोड़ने का नहीं है, हमारे यहाँ भगवान कृष्ण की पूजा करने वाला भी हनुमान जी का पाठ करता है, मैं भी भगवान कृष्ण की पूजा करता हूँ, पर रोज हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ। हमारे यहाँ हनुमान जी आचार्य रूप में है, गुरु कृपा करो गुरुदेव की नहीं, हनुमान जी गुरु स्थान पर हैं। हनुमान जी को ऐसे प्रणाम करो जैसे अपने गुरुदेव भगवान को प्रणाम करते हो और कहो हे हनुमान जी हमें भी भगवान की भक्ति अपनी तरह दीजिए, हमें भी राम जी के चरणों में भगवान कृष्ण के चरणों में प्रेम दीजिए, हे प्रभु सदा आप हमारे रक्षक बन के रहिए और हमारी भक्ति पर आँच मत आने दीजिए, ऐसा हनुमान जी से प्रार्थना। गुरु जी मेरी फैमिली आइए, एक बार मेरे पत्नी से आप बात कराइए। इसका मार्ग लेंगे तो तुम पागल हो जाएंगे ऐसे। अरे ये पागल वो है ही ऑलरेडी जो कह रहे हैं आपको पागल, उन पागलों की क्या कह मानना, वो तुलसी भी नहीं लगाएं। क्या लगाएं फिर, तुलसी भी नहीं लगाना बोलते, किसी धर्म उसमें किसी मंदिर में जाना भी नहीं बोलते। फिर कहाँ जाओ, हमारी एक बजरंगबली की पूजा करना बोलते। अरे भैया बजरंगबली के हृदय में कौन बैठा है, ऐसे बोलते। सीताराम बैठे हैं कि नहीं, महाभारत का युद्ध हुआ तो अर्जुन के रथ पर झंडे पर हनुमान जी को भगवान कृष्ण ने बिठाया कि नहीं,
भगवान कृष्ण ने हनुमान जी को ध्वजा पर बिठाया। अब कैसे भी देखो हनुमान जी की कृपा से ही राम जी में और कृष्ण जी में प्रवेश हो सकता है। अब ये मूर्खों को आप कैसे समझाओ ये बताओ। और तुलसी सब वैष्णवों के घर में होना चाहिए। तुलसी भी नहीं लगाना बोलते हो? अरे तो लगाओ आप। आप तुलसी लगाओगी तो पड़ोसन से पूछ के लगाओगी? नहीं, काहे पूछती हो, पूछो मत दुष्टों से। ठीक ठीक, खुश रहो। चलो नील पाठक जी, राधे राधे गुरु जी। एकादशी के दिन गाय को रोटी देना चाहिए? हाँ, जो बनाओ फलाहार जो बने वो देना। एकादशी के दिन रोटी बनती ही नहीं है, जो व्रत रखेंगे उनके यहाँ क्यों बनेगी? और जिनके यहाँ बने एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, तो गाय को भी नहीं। फलाहार करो, फिर गाय को लड्डू का भोग लगाओ या जो बना वो खिलाओ, फल फूल खिला दो, केला खिला दो। ओम प्रकाश पाल जी, राधे राधे गुरु जी। अभिमन्यु गर्भ में रहकर चक्रव्यूह का ज्ञान प्राप्त कर लिए तो क्या जब भी ऐसा, क्या अब भी ऐसा हो सकता है? बिल्कुल होता है। गर्भवती स्त्री आज भी जो सुनती है गर्भ के समय पर, वह संस्कार बच्चे के जीवन में पड़ ही जाते हैं। अच्छे बुरे जो आप सुनते हैं वो बिल्कुल जाता है प्रभाव होंगे। मानसी अग्रवाल जी पूछ रही हैं, बेटी को पराया धन क्यों कहते हैं? क्योंकि बेटी का कन्या दान होता है, इसलिए दान दे दिया जिसको वो उसकी हो गई। प्रियंका सैनी जी, राधे राधे गुरु जी। स्वास्तिक में चार बिंदु किस लिए होते हैं? धर्म अर्थ काम मोक्ष चार पुरुषार्थ का प्रतीक होते हैं। अर्जुन कुशवाहा, राधे राधे गुरु जी। मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म क्या है? दया ही सबसे बड़ा धर्म है, सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है। पम्मी बघेल जी, राधे राधे गुरु जी। हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो क्या किताब में देख कर पढ़ना चाहिए या बिना देखे? याद नहीं है तो देख लो, याद है तो देखने की जरूरत नहीं है। मौना जी, राधे राधे गुरु जी। घर में लड्डू गोपाल जी का किस तरह भोग लगाना चाहिए? भगवान को भोग, दाल चावल सब्जी रोटी निकालो, भगवान जी को भोग लगाओ, तुलसी का पत्ता डालकर जैसे बच्चे को माँ खिलाती है ऐसे भगवान को खिलाओ, ऐसे लगाना चाहिए। सुन ऋतु मंडल जी, जगन्नाथपुरी में एकादशी का व्रत क्यों नहीं होता? क्योंकि वहां पर एकादशी उल्टी लटकी है। मानसी अग्रवाल जी, जय श्रीमन्नारायण जी। मेरा सवाल है कि द्रौपदी पूर्व जन्म में कौन थी? देव कन्या थी द्रौपदी। आशीष पांडे जी, राधे राधे गुरु जी। मेरी माँ का देहांत हो चुका है, एक साल तक मेरे घर वाले मुझे राम मंदिर जाने से मना कर रहे हैं, क्या करूं? माँ का देहांत हो गया है तो मंदिर जाने से मना करते हैं, झूठ बोलने से मना नहीं करते, छल कपट करने से मना नहीं करते, ईर्ष्या द्वेष करने से मना नहीं करते, बस मंदिर जाने से मना करते हैं, क्योंकि ये गलत परंपराएं चली आई हैं। अरे मंदिर जाना जब सूतक पातक है तो अलग विषय है कि उस समय आप मानसिक मंदिर जाएं, पर सूतक के बाद तो मंदिर जा सकते हैं। मंदिर में भगवान का दर्शन करना, दर्शन करने से रोकना, रोकने वाला सबसे बड़ा अपराध। ये थी आज की वीडियो। तो यार ये महाराज है, मतलब गुरु है, इनको भी बहुत ज्यादा लोग मानते हैं, और आपने देखा ही कि कितने ज्यादा लोग उनसे सवाल पूछ रहे थे और महाराज जी ने सबके सवालों के जवाब भी दिए। हर एक बंदे के, मतलब हम जब, जैसे मैं हूँ, मुझे कोई परेशानी होगी या कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं, मुझे नहीं पता होगा उसका हल क्या है, तो हम जैसे हम में से ऐसे लोग होते हैं जिनको ज्ञान काफी ज्यादा होता है तो हम उनके पास जाते हैं, तो उनसे जाके हम पूछते हैं कि इस प्रॉब्लम का क्या हल है या फिर क्या, तो फिर वो हमें जब उसका सवाल का जवाब देते हैं तो हमारा माइंड क्लियर हो जाता है, हमारे दिल को सुकून मिल जाता है। इसी तरह से यहाँ पे भी बहुत ज्यादा लोग इनके पास आए हुए थे जो ये बता रहे थे कि हमें भक्ति करने से रोकते हैं कुछ लोग, कुछ हमें तुलसी करने, मतलब उसकी पूजा करने से रोकते हैं, कोई राम जी के मंदिर जाने से रोकते हैं। तो वो बोला है कि इंसान को, मतलब झूठ बोलने से रोका नहीं जाता, बुरे काम करने से रोका नहीं जाता, लेकिन इस तरह से करने से, जो इबादत करने से जो लोग रोकते हैं उनका अब क्या उनके बारे में बोला जाए। लेकिन इन्होंने बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से सबके सवालों के जो जवाब है ना दिए, और सबके मन को शांति मिलती है जब भी इस तरह से कोई जाके अपने सवालों का जवाब मिल जाता है। तो इस वजह से ही इनको बहुत ज्यादा लोग सुनते भी हैं और मानते भी हैं। तो आपकी क्या राय है? आपने क्या, उनमें से आप में से कोई इनसे कभी मिला है? अगर मिला है तो क्या आपने सवाल पूछे और आपको क्या जवाब मिले, प्लीज बताइएगा कमेंट बॉक्स में। फिर आपको मिलते हैं एक और वीडियो में। थैंक यू।